मेरे मित्र एवं सभी स्नेह भाजनों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे मदन मोहन जी के द्वारा आज यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हम सब बहुत उत्साहित और गौरवान्वित हैं। कम से कम शिक्षक परंपरा, जिसके बारे में आम लोग भूलते चले जा रहे हैं, शिक्षक क्या है, गुरु क्या है, शिक्षकों की जो स्थिति है और गुरु की जो स्थिति है, शिष्यों की जो स्थिति है, छात्रों की जो स्थिति है, इस स्थिति के दलदल से सूखे धरातल पर ले जाने की कम से कम सोच तो लोगों में पैदा होगी, यही एक बहुत बड़ी। गुरु जिसका अभिनंदन किया गया या किया जाता है अज्ञान की वजह से। गुरु कैसे चाहिए? अज्ञान तिमिरांधस्य, अज्ञान रूपी जो तिमिर है, जिसके कारण हमें जो अंधत्व प्राप्त है, हमें कुछ सूझ नहीं रहा है, जो चक्षु सम्मिलित हैं, बंद आंखें हैं, सम्मिलन का अर्थ होता है बंद होना, उन्मीलन का अर्थ होता है हमारे जो चक्षु सम्मिलित हैं, जो बंद हैं, तभी तो अंधकार चारों में। एक तो अज्ञान का अंधकार है और हमारे चक्षु बंद भी हैं, क्योंकि यहां कहा गया कि चक्षुर उन्मीलन देना, चक्षुओं को जिसने उन्मीलित कर दिया, खोल दिया, अर्थात यह निश्चित है कि वह आंखें बंद थी, तभी तो उन्मीलन सकता है। प्रभु, एक तो घोर अंधकार है, अज्ञान रूपी घोर अंधकार है और आंखें भी सम्मिलित हैं, आंखें भी बंद हैं, तो हम किधर भटक जाएंगे, किस गर्त में गिर जाएंगे, किस कुएं में गिर जाएंगे, जिसका कोई ठिकाना नहीं। और पतन की राह जो होती है चिकनी होती है, तो पतन माने वैसी राह जो इनक्लाइन हो, आनत हो, ऐसे ढलाव हो और चिकनी भी हो और अंधत्व का धक्का पीछे से लग रहा, कौन संभल सकता है। तो अज्ञान तिमिरान सला गया, ज्ञान रूपी अंजन को सलाका के द्वारा चक्षुर उन्मिल तंगेन, जिसने चक्षु को उन्मिलित कर दिया, खोल दिया, तस्वीर से ऐसे ही लोगों यह अभिनंदन सबों के लिए नहीं, ऐसे गुरु के लिए। गुरु में दो शब्द, गु और रू। गु माने होता है गुह, जिसको गुफा अंधकार, गुफा में तो अंधकार होता है, और रूह माने होता है प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश में ले जाए वह गुरु। इसीलिए तो गुरु की महत्ता दी गई है। सीएस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, गुरु की कीमत। और गोस्वामी जी ने तो बड़ा अद्भुत सामंजस्य स्थापित किया, जिनके बारे में अभी एक पद आया था, बंदे बोध मयम नित्यम गुरु शंकर रूपयौ, यमास को ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। वाह, गुरु के सानिध्य में चल जाने के बाद वह वक्र चंद्रमा भी वंदनीय है, वक्र चंद्रमा भी वंदनीय। गुरु कैसे होना चाहिए? तो शंकर के जैसा। शंकर ने क्या काम किया? समूचे संसार को जला डालने वाले भी उसका पान कर दिया। गुरु शिष्य के अज्ञान को विष को पान कर जाए और उनके लिए अमृत उड़ेल दे, शंकर ने तो यही किया। और ऐसे गुरु का स्थान कहा? रामचरितमानस की वंदना। ऐसे गुरु का स्थान कहां है? रामचरितमानस की वंदना में
बॉस माइंड पोलिसन लाल सिंह ने नौ विभूतियों की वंदना की है, नौ विभूतियों की वंदना की है। सबसे पहले उन्होंने कहा है वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम भी, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम भी मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। वाणी और विनायक की वंदना होती है, ये दो विभूति। इसके बाद